ओके, गुड मॉर्निंग क्लास फोर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, दिस इज लेक्चर नंबर 91, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे इज अक्टूबर 13th 2021। स्टूडेंट्स टर्न टू पेज नंबर 67, एक्सरसाइज बी पार्ट एंड फॉलो द वीडियो लिंक वेरी अटेंटिवली। सबसे पहले अपनी अपनी बुक्स पे देखना एक्सरसाइज बी पार्ट। Make adverb with the given adjective and write sentences. नीचे दिए गए adjective words को आप adverbs में change करने हैं और sentences लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि example, एक example already दिए हुए हैं, जैसे कि bad, the boy wanted to buy the toy badly, ठीक है। उसी तरह से number two में आएगा जो वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, ब्यूटीफुल है, तो आपको इससे सेंटेंस बनाना है। द डांसर डांस्ड ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल को आपको एडवर्ब में चेंज करना है, सो इट बिकम्स ब्यूटीफुली। उसी तरह से नंबर थ्री, लकी, आई न्यू ऑल द आंसर्स लकीली, यहाँ पर लकी बन जाता है लकीली, ठीक है। नंबर फोर, क्विक, ही रैन टूवर्ड्स His home quickly, यहाँ पर quick बन जाता है quickly। Number five, weak, she stood weakly near me, यहाँ पर weak बन जाता है weakly, ठीक है। Okay, अब उसके बाद आते हैं adverb of time, when words। Okay, adverb of time tells us when something happened or was done। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि कब हुआ, कि एक एक्शन कब हुआ। ये एक वर्ब यानी एक्शन के समय हमें दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल है टुडे, लास्ट वीक, यस्टरडे, आफ्टर, लेटर, सून, नाउ, ठीक है। ये सारे जो है हमें टाइम दिखाते हैं, ठीक है। ओके, इसके एक्सरसाइज सी पार्ट, fill in adverb of time। आपको adverb of time वाले वर्ड आपको ब्लैंक्स में भरने हैं। सो नंबर वन, we went to the zoo yesterday, यहाँ पर आएगा yesterday। नंबर टू, we had a test today, यहाँ पर सेकेंड वाला है today। लेकिन आंसर, the answer में vary, मतलब कि आप इसके अलावा दूसरे वर्ड्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि वी हैव अ टेस्ट टुमारो भी लिखो, आप लिख सकते हो, टुडे भी लिख सकते हो, यस्टरडे भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर थ्री, विल यू रिपेयर दिस बाइसिकल टुमारो, यहाँ पर आएगा टुमारो। नंबर फोर, यू वुड हैव गॉट अ टिकट इफ यू हैड कम अर्ली, यहाँ पर आएगा अर्ली। नंबर फाइव, वी विल फिनिश दिस रेस लेटर, यहाँ पर आएगा later। लेटर नंबर सिक्स, ड्रिंक योर मिल्क नाउ, यहाँ पर आएगा नाउ। नंबर सेवन, आई विल कम टू योर हाउस नेक्स्ट वीक, सो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। ओके, नाउ टर्न द पेज, एक्सरसाइज डी पार्ट, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स। आपको इन दिए गए एडवर्ब से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर सेंटेंस बनाया है जो मैं आप लोगों को डिक्टेट करने जा रहा हूँ। वैसे आप अपनी मर्जी से सेंटेंसेस भी आप बना सकते हो यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। टुडे, आई विल विजिट योर हाउस टुडे, ठीक है। नंबर टू, यस्टरडे, इट वॉज अ कोल्ड नाइट यस्टरडे। नंबर थ्री, नेक्स्ट वीक, लेट अस गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। नंबर फोर, नेक्स्ट ईयर, आई विल बी 10 years old नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो यहाँ पर बी इज मिसिंग, सो मैंने यहाँ पर बी लिखना भूल गया, सो आप प्लीज एड बी ई बी, ठीक है। आई विल बी 10 years old नेक्स्ट ईयर। नंबर फाइव, लास्ट मंथ, I saw a horror film last month. Number six,
last year. My uncle visited from London last year. Number 7, soon, come home soon. Number 8, now, I want to sleep now. Number 9, before, do your work before 8 p.m. Number 10, after, he came to the party after me. ठीक है, सो के स्टूडेंट्स आज के लिए बस यहीं तक. फॉर होमवर्क टू एक्सरसाइज बी सी एंड डी ऑन योर ग्रामर बुक. और तब तक के लिए हैव गुड टाइम, टेक केयर एंड स्टे सेफ.